जय माता रानी की। दोस्तों, मैंने आपको पहले एक बार बताया था ना, वो बजरंग बली वाला किस्सा, के दो तीन लोग ही हैं भारत में जिन्होंने साक्षात्कार किया, जिसको कहते हैं, और उनके साक्षात्कार का मुझे भी अनुभव हुआ। और मैंने एक चीज़ बताई थी कि उनके मुंह से मेरे बारे में, मतलब मेरे लिए आदेश आया या जवाब आया, तो मैं उन्हीं से आपको परिचय कराने जा रहा हूँ। वही है जी, मैं मौनी भूषण जी, और जी अपने बच्चे के लड़के के साथ आई हुई हैं, लड़का इनका बैठा है, और केवल एक दिन के लिए स्पेशल मिलने के लिए आई। और इनसे मिलने का तो मेरा भी मन था भाई, जब जिस जगह से बजरंग बली की तरफ से आदेश आ रहा मेरे लिए, तो उससे मिलना तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। और अब तो भाई बहन निकली आई मेरे पूर्व जन्म की, तो अब तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, प्रेम तनु जान के सुमिरा पवन। हाँ, इन्होंने एक ऐसा सूत्र बताया, मैं पे डाल नहीं सकता हूँ, थोड़ा सा उसका लाभ उठा सकता, मना किया है मतलब डालने का, पर इन्होंने एक ऐसा सूत्र बताया मुझे हनुमान जी के बारे में, जो शायद मुझे आज तक कहीं नहीं मिला, और ना कोई साधु संत या बड़े बड़े ज्ञानी नहीं बता पाए उस सूत्र को। तो लेकिन मैं उस सूत्र को ओपन नहीं करूँगा, क्योंकि जब किसी को सूत्र कोई भगवान देता है, तो उसको खुद उसके विवेक से मिले वो बात अलग है, बाकी हमें ओपन नहीं करना चाहिए। मुझे खुद नहीं मालूम था, बिल्कुल भी नहीं मालूम था उस चीज़ के बारे में, क्योंकि हनुमान चालीसा ऐसा एक गूढ़ रहस्य है, समझ। हनुमान चालीसा मतलब एक स्तुति नहीं है, एक गूढ़ रहस्य है, और उसके हर दोहे में, हर छंद में कोई ना कोई ऐसा रहस्यात्मक वाक्य है जिसको हम पकड़ नहीं पाते हैं। और एक चीज़ तो इन्होंने साबित कर दी बात, और उस चीज़ को फिर मैंने बाद में किसी चीज़ से पूछा, तो उसने हाँ कर दिया, हाँ यही बात थी, तो मैं कैसे विश्वास नहीं करूँगा, करना पड़ेगा। जब बजरंग बली साक्षात बोलेंगे तो करना पड़ेगा भाई। चलिए, इनसे मज़ा आया मिल करके। और मैंने एक चीज़ और अनुभव की, जो पक्का हो गया अनुभव ज़्यादा मेरा, कि ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ी बड़ी साधनाएं कर रहा है, कोई बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान कर रहा है, तब उसको भगवान के दर्शन होंगे। ज़रूरी ये है कि उसका भाव क्या है, उसकी भगवान के प्रति फीलिंग क्या है, भगवान के प्रति उसका कैसा लगाव है, किस टाइप का लगाव है। कुछ लोग ये सोचते हैं, जैसे मेरे पास बहुत तरह के मैसेज आते हैं, गुरु जी हमें एक सिद्धि दे दो, हमें सिद्धि करनी है और चमत्कार करना है, सिद्धियाँ साधनाएँ तपस्या भगवान उनको नहीं देता जो चमत्कार करने के सोचते हैं। ये बात अपने दिमाग में फेंक बैठा लीजिए, चमत्कार करने के सोचने वाले के पास कभी सिद्धियाँ नहीं होती है, क्योंकि वो तो एक तरह से आप अपने आप को शो कर रहे हैं, अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, या भगवान की शक्ति से अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब दिखाने की, शो करने की, बढ़ाने का तो बात अलग है, शो करने की। तो ऐसे लोगों को नहीं मिलती सिद्धियाँ, लेकिन इनसे मिलके मेरा मन गदगद हो गया, मज़ा आया इनसे मिलके, और काफ़ी होशियार भी हैं। और भाई, इन्होंने बाबा लोकनाथ का नाम सुनाया आपने, बाल ब्रह्मचारी लोकनाथ बाबा, उनका श्री हाँ लोकनाथ ब्रह्मचारी, हाँ त्रिकालदर्शी महायोगी, त्रिकालदर्शी महायोगी बाबा लोकनाथ ब्रह्मचारी भाई, गूगल इनकी पे सर्च कर लें। और गूगल पे सर्च करना, सब जगह सर्च करना है भाई। ऐसे संत हैं कि तत्काल प्रकट है मुसीबत आने पर, अगर आपने उनका नाम लिया तो वो वचन दे के गए हैं धरती पर, वो वचन दे के गए हैं कि अगर कोई परेशानी में पड़ गया, कैसी भी परेशानी हो, कहीं से भी परेशानी हो, अगर मुझे याद करेगा मन से, तो तत्काल मैं उस परेशानी में। ये देखिए एक चीज़ और, कुछ चीज़ें मैंने ऐसी होती है, मैंने ये अनुभव किया है कि देखिए, ये एक तो परेशानी वाली बात हो गई, एक तो होता है उनको जिंदगी भर भजना, तब पूजा करना, तब परेशानी में आ जाए। उन्होंने तो उनका उनका तो मैंने ये देखा, इन्होंने आज बताया, और मैंने ध्यान लगा के ये पता किया कि वो तो ऐसे हैं कि कभी उनकी उसने पूजा नहीं की हो व्यक्ति ने, लेकिन उनको विश्वास हो उनमें, और अगर वो याद कर लेता मुसीबत के समय पर, तो तत्काल हाजिरी है बाबा की। तीन चार बाबा ऐसे, मतलब जी ऐसे योगी हुए हैं, तेलंग स्वामी, बाबा लोकनाथ, बाबा बालकनाथ, जे ऐसे रहे हैं, इन्होंने अपने आप को गुप्त रखने की कोशिश की है, इन्होंने हमसे आपको मतलब ज़्यादा फैलाने की कोशिश नहीं की, विस्तार नहीं दिया अपना, मतलब वो नहीं किया, इन्होंने मना कर दिया अपने साधकों से, अपने जो जानने वाले थे उस समय उनसे मना कर दिया कि मेरा प्रचार नहीं हुआ कहीं पे भी, तो उसकी वजह से ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं। मैं भी पहले बाबा लोकनाथ का सुन के मैंने कि मेरी जानकारी में नहीं है, फिर मुझे किसी ने बाबा बालकनाथ का बताया, ठीक है, तो मैं उनका भी सुन के दंग रह गया। तो मैं किस कई तरह के तेलंग स्वामी और कई हैं, महावतार बाबा, चलिए महावतार बाबा की तो मानते हैं, हमारे ऊपर कृपा है थोड़ी सी, तो उन्होंने तो थोड़ा सा दिखा दिया है हमको जलवा, क्योंकि इस क्षेत्र में आने के बाद इन चीज़ों को अगर महसूस नहीं किया तो कुछ नहीं महसूस किया, इन चीज़ों की ताकत नहीं महसूस की। और एक हमारे जी नीम करोरी बाबा, इन्होंने तो बचपन में दर्शन दे दिए थे छोटी सी उम्र में। चलिए मित्र, ठीक है, तो आपसे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, और वीडियो तो आपकी बनी गई है, डाल देंगे आज, ठीक है। जय माता रानी की।